ये क्रिस्पी और टेस्टी रोस्टेड पोहा नमकीन सिर्फ 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि हमने इसमें कुछ भी डीप फ्राई नहीं किया है और आप इसको बना के बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और आप इसको शाम की चाय के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आता है खाने में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स, मैं हूँ शिल्पी। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये रोस्टेड और बहुत ही यमी पोहा नमकीन। रोस्टेड पोहा नमकीन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा पैन लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ पोहा। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पोहा यूज़ किया है और देखें ये एकदम पतला वाला पोहा है। इसको हम अच्छे से मिला देंगे। गैस की आंच को हमें धीमे रखना है और धीमी आंच पे हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में चला के रोस्ट कर लेंगे। पोहे को मैंने 7 से 8 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच पे भूना है और भुनने की पहचान ये होती है कि ये साइड से हल्का सा कर्ली होना शुरू हो जाता है और ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिखने लगता है। तो बस हमें इसको इतना ही भूनना है और अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे और इसके लिए एक मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने फिर से वही पैन लिया है, इसमें हम डाल देंगे तेल। तो आप सरसों का तेल या कोई भी ऑयल अपनी पसंद का यूज़ कर सकते हैं। तेल हल्का सा गर्म हो चुका है, हम इसमें डालेंगे हींग। इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून भर के जीरा या क्यूमन सीड्स, 1 टीस्पून राई के दाने। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ पर मेरे पास है करीब 1 कप मूंगफली, हम इसको डाल देंगे। तो ये रॉ पीनट्स हैं, अभी हम इनको फ्राई करेंगे हल्का सा। अब आप देख सकते हैं कि मूंगफली को मैंने करीब आधा फ्राई कर लिया है। इस टाइम हम इसमें डाल देंगे काजू और बादाम। तो ये करीब 20 से 25 काजू थे और 20 से 25 बादाम, इनको मैंने 2 टुकड़ों में काट के डाल दिया है। तो यहाँ पे आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स डाल सकते हैं। अगर आप इसमें चाहें तो रोस्टेड चना भी मिला सकते हैं। और इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे थोड़े से कटे हुए हरे मिर्च और कुछ करी पत्ते, इनको मिक्स करेंगे और हम काजू और बादाम को एकदम क्रिस्प होने तक भून लेंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं कि काजू में भी अब हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे ये सूखा वाला नारियल और इसको मैंने बस थोड़ा सा पतला पतला काट दिया है। तो अब हमें इनको भूनना है जब तक कि नारियल एकदम क्रिस्प ना हो जाए। तो भूनते समय ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम जो है पूरी देर मीडियम पर रहनी है। अगर आप तेज़ आँच कर देंगे तो हमारे नट्स जो है वो क्रिस्प नहीं होंगे और जल जाएंगे। ये देखें, नारियल भी अब बहुत अच्छे से भून चुका है। इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, नमक हम बाद में भी डालेंगे। इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप किशमिश या रेजन्स, इनको बस हल्का सा मिलाएंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे रोस्ट किया हुआ पोहा और इसको बहुत अच्छे से सारे मसाले में मिक्स कर देंगे। तो बहुत धीमे हाथ से मिलाएं क्योंकि पोहा काफ़ी क्रिस्प है, अगर बहुत तेज़ मिलाएंगे तो पोहा टूट जाएगा। पोहे को मैंने बहुत अच्छे से नट्स के साथ मिक्स कर दिया है और अब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून दरदरा किया हुआ धनिया पाउडर, मतलब क्रश्ड किया हुआ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून क्रश की हुई फेनल सीड्स या सौंफ, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून काला नमक और करीब 2 टीस्पून पिसी हुई शक्कर। और इन सभी को बहुत धीमे हाथों से हमें मिक्स करना है। तो ये नमकीन हल्का सा खट्टा मीठा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने शक्कर डाली है इसमें और रेजन्स डाले हैं। अगर आपको एकदम तीखा नमकीन पसंद है तो आप शक्कर छोड़ सकते हैं। तो बस अब हम बिल्कुल धीमे हाथों से इस नमकीन को 1 से 2 मिनट तक मिक्स कर लेंगे, जिससे कि जो सारे मसाले हमने डाले हैं वो नट्स और पोहे में अच्छे से मिल जाए। ये देखिए, मैंने बहुत अच्छे से इसको मिला लिया है और इस टाइम पर आप इसमें मसाला थोड़ा चेक कर लें। अगर आपको मसाले में कुछ कम लगता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पोहा नमकीन बनकर बिल्कुल तैयार है, ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया है। आप ध्यान रखिएगा, अभी जो ये पैन है बहुत गर्म है, अगर आप इसको इसी में छोड़ना चाहते हैं तो आप इसको कुछ कुछ देर में चलाते रहें, नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि इसको एक अलग बर्तन में निकाल लें। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तो आप इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें, ये काफ़ी लंबे टाइम तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नमकीन बनके तैयार होता है और चाय के साथ शाम को जब भी कुछ हल्का फुल्का खाने को मन करे तो आप इसको खा सकते हैं। तो ट्राई करें और फीडबैक में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।